दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मॉडल पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो एनुअल एग्जाम्स में, वार्षिक परीक्षाओं में आपके इसी प्रकार का पेपर आता है। क्लास नाइन्थ इंग्लिश का पेपर आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र करने के लिए मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा, जबकि 30 नंबर का आपको कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपके टीचर्स आपको देंगे। तो एनुअल एग्जामिनेशन 2020 में इस तरह का पेपर आया था। किस तरह का पेपर आया था इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो का यूज़ इस पेपर का यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा, कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा, अगर आप 2021 में देने वाले हैं या 2022 में देने वाले हैं। इसी पैटर्न के पेपर आते हैं यूपी बोर्ड में। तो एक पेपर आपका होगा केवल। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमारा पेपर है, क्या क्या पूछा गया है। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि क्लास 9 से लेकर 12th तक का सिलेबस 30% कम किया गया है यूपी बोर्ड में कोविड के चलते, क्योंकि अभी तक कॉलेज नहीं खुल पाए हैं। तो 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसमें देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं और अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in से आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस, जो सिलेबस में चेंज हुआ उसके वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां पर भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए में हमारा क्या पूछा गया था। Read the following passage and answer the questions given below it. आपको ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे जो questions दिए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। ये पैसेज आपके जो chapters आपने पढ़े होंगे English में तो उससे related होंगे। आपके book टेक्स्ट बुक के ही किसी चैप्टर से ये पैसेज उठाया गया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इस पैसेज के नीचे ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आपको आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियंस व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियंस तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स दोज हु वॉक ऑन फुट। तो ये 2 प्रश्न है, पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आपको नीचे दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 60 शब्दों में देना है। क्या है? पहला प्रश्न है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एलन। आपको चरित्र चित्रण करना है, एलन के कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण करना है आपको 60 शब्दों में। आपके चैप्टर में जो आपके जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स होंगे उसमें कोई कैरेक्टर एलन होगा तो उसका आपको चरित्र चित्रण करना है 60 शब्दों में। तो 4 नंबर का ये प्रश्न है, या तो आप ये वाला प्रश्न करो या फिर डिस्क्राइब द स्ट्रगल बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट। ये भी आपके किसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको डिस्क्राइब करना है बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस और गवर्नमेंट सरकार के बीच क्या विवाद था, क्या संघर्ष था। तो ये अब आपको बताना है। आप चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ाओगे आपने तो आराम से आप लिख दोगे। इस वीडियो में आपको पेपर दिखा रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी हम बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड। नीचे दिए गए प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है डिड टॉम पेंट द होल फेंस, पहला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा यू फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन। ये एंड्स है ENDS, आपकी स्वतंत्रता वहां पे खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। एंड सही है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। फिर है व्हाई वॉज द मिनी अफ्रेड ऑफ काबुली वाला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। तो मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर लिस्ट बी।
ए और बी में जो वर्ड्स दिए हैं इनको आपको सही मीनिंग के अनुसार मैच करना है, सही मीनिंग्स के अनुसार आपको मैच करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो ज़िला एक एरिया होता है, तो आप इससे मैच करा सकते हैं। यंग को आप लिटिल से मैच करा सकते हैं। पॉट्स एंड पैंस यानी कि बर्तनों को यूटेंसिल्स भी कहते हैं। कमांड को हम कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको मीनिंग्स मैच करानी है। लिस्ट ए से लिस्ट बी की मीनिंग्स आपको मैच करानी है। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री, नीचे दी गई कविता का भाग पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस स्टैंजा को आपको पढ़ना है और इसके नीचे लिखे क्वेश्चंस का उत्तर देना है। तो ये स्टैंजा आप पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे ये दो प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देना है। हर एक प्रश्न दो दो मार्क्स का है। फिर आपसे पूछा गया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक कविता का। आप सिंपैथी का भी लिख सकते हैं, ये कविता है क्लास 9th में। और आई मूव टू दी माई कंट्री, ये दो कविताएं हैं, इनमें से आप किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए 40 शब्दों में। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। या अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता किसी भी कविता का, तो आप कर सकते हैं राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अपनी किताब से किसी कविता की 4 लाइनें लिखिए, बट वो कविता इस प्रश्न पत्र में नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मत लिख देना जो ऊपर दी गई है कविता। इसके अलावा अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक की किसी कविता की 4 लाइनें याद हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो इस क्वेश्चन पेपर में कविता दी है उसको मत कॉपी कर लेना, ये बताया गया है। फिर हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में नीचे दिए गए दो प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न हैं, 2 का देना है। व्हाई वाज गांधी जी फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। व्हाई वाज गांधी जी फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द चीफ मिनिस्टर सॉल्व द डिस्प्यूट इन द स्टोरी द सन एंड द प्रिंसेस। मुख्यमंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो झगड़ा था उसको कैसे सॉल्व किया था, कैसे हल किया था। आपका ये पाठ है हंस और राजकुमार। इस चैप्टर में आपका जो झगड़ा था उसको किस तरह से सॉल्व किया था, मुख्यमंत्री या राजा ने, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन ऑफ जापान आस्क पंडित नेहरू टू सेंड। फिर 8वां प्रश्न है हमारा, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। सही गलत आपको बताना है। प्रिंस सिद्धार्थ शॉट द बर्ड, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसके आगे ट्रू लिख दीजिए, अगर फॉल्स यानी कि गलत है तो आप उसके लिए आगे फॉल्स लिख सकते हैं। द सॉन फ्लू इन टू द आर्म्स ऑफ देवदत्त, तो पढ़ लीजिए इसको। हल्कूज वाइफ गिव हिम 3 रुपीज, और लिखा हुआ है सोना वाज ए लैंड ओनर। तो ये आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, 4 नंबर के हैं, हर एक नंबर का है। सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आपको सही वर्ड चुनना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हुए हैं। गांधी जी प्रोमिस्ड द यंग लैड, तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा सटीक बैठेगा इन 4 ऑप्शन में वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह के हमारे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्न दिए हुए हैं। फिर सेक्शन बी आ जाता है हमारा। सेक्शन बी में ग्रामर होगी, तो देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सही करना है, रीऑर्डर करना है। ए लेटर रोट माई मदर यस्टरडे, सही वाक्य क्या होगा लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। शी इज ईटिंग एन एप्पल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 2 मार्क्स का प्रश्न है, 2 मार्क्स का। शी सेड टू हिम आई वांट योर हीप, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पुट द राइट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आपको सही वर्ब लिखनी है, डाई की सही वर्ब लिखनी है। माई ग्रांड फादर डाई लास्ट वीक, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई होगा या डाइड होगा, तो इसकी आपको सही करेक्ट फॉर्म लिखनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स फिर आ जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स 2 मार्क्स का है। प्लीज लिसन, अब यहाँ पे ऑन होगा, टू होगा या ऑफ होगा,
प्लीज लिसन ऑन मी होगा या प्लीज लिसन टू मी होगा या प्लीज प्लीज लिसन ऑफ मी होगा, तो क्या होगा सही प्रीपोजिशन उसको आपको लिखना है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द फाइंड फॉल्ट इज, तो अपने मन से कोई भी आपको सेंटेंस अगर यहाँ पर लग रहा है कि आप भर सकते हैं तो उसको आपको भरना है. कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे दी गई स्पेलिंग जो छूटी हुई उससे उसमें कोई भी आप वर्ड भर के इसको पूरा आपको करना है. जैसे मिनिस्टर हो जाएगा या मिनिस्टर, MINI यहाँ पे, और TER ये मिनिस्टर हो जाएगा, और ये हो सकता है आपका जस्टिस. ओ माय गॉड, जस्टिस यहाँ पे S, यहाँ पे I, तो ये जस्टिस हो सकता है. चलिए अब आगे देखते हैं. फिर आपको पंक्चुएट करना है, सही करना है इस पूरे वाक्य को. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, दो नंबर का प्रश्न है. फिर ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में इन वाक्यों को. छोटी सी स्टोरी दी है. मगध में नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें अध्यापक और छात्र एक साथ रहते थे. छात्रों की संख्या 10,000 थी, इसमें 1,400 शिक्षक थे. तो चार नंबर में आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. फिर लिखना है राइट ए लेटर टू योर यंग ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन आर एट हैंड. आपको अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, उसको समझाना है या सलाह देना है कि आप पढ़ाई में मेहनत करो क्योंकि पेपर आने वाले हैं. तो चार नंबर के लिए आप ये लेटर लिख के दिखा सकते हैं. और या तो अगर आपको लेटर नहीं आता तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू रिमिट फाइन इम्पोज्ड ऑन यू बींग एबसेंट फ्रॉम द क्लास. एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, कि जो फाइन लगाया गया है अनुपस्थित होने का उसको माफ कर दिया जाए. रिक्वेस्टिंग हिम रिमिट फाइन इम्पोज्ड ऑन यू बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. आप क्लास से एब्सेंट रहे होंगे तो उसका जो फाइन पड़ना है आपसे वो आपको माफ कर दिया जाए. इस पर आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 14 है. ये चार नंबर का लेटर या एप्लीकेशन का चार नंबर का प्रश्न होगा. फिर देखते हैं ऐसे देखते हैं. ऐसे हमारा राइट ए कंपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 75 वर्ड्स. 75 वर्ड्स में आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है. एन इंडियन फार्मर पे, माय बेस्ट फ्रेंड पे लिख सकते हैं, अपने स्कूल पे लिख सकते हैं, रेलवे कुली पर लिख सकते हैं. 6 नंबर का आपका ये छोटा सा ऐसे होगा. फिर है हमारा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये अनसीन पैसेज है, ये आपके कहीं भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ये अपनी तरफ से दिया जाता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे ये जो दो प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर लिखना है. 6 नंबर का ये होगा अनसीन पैसेज, यानी कि आपको पता नहीं है कि ये कहां से पैसेज उठाया गया. तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये कहीं से भी उठाया जा सकता है. तो अनसीन पैसेज को पढ़ना ध्यान से, और दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं उसका आंसर लिख दीजिएगा. तो ये था हमारा पूरा पेपर क्लास 9th का इंग्लिश का. एक बात ये है कि आपको पेपर पैटर्न में जो चेंज अगर किया गया है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा सिलेबस में कि किसी प्रकार का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ. सिलेबस तो कम किया गया है 30%, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा. यूपी बोर्ड ने पेपर का पैटर्न भी दिखाया है बहुत से सब्जेक्ट में. तो upmsp.edu.in से क्लास 9th का आप सिलेबस हर सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं. So thanks for watching and listening, man. Good luck for your future. Thank you and bye bye.